हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेखा के हिंदी मूवी सुपरहिट खून भरी मांग के रियल किस्से के बारे में। वीडियो को फुल वॉच कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके से न्यू खबरें आप तक पहुँचाती रहूँ। रेखा और कबीर बेदी स्टारर फिल्म खून भरी मांग ने शनिवार को अपने 35 साल पूरे कर लिए हैं। 12 अगस्त 1988 के दिन यह फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। इसे अपने दौर की क्लासिक फिल्मों में से एक माना जाता है। डायरेक्टर राजेश रोशन ने हाल ही में फिल्म के 35 साल पूरे होने पर पुराने किस्सों का जिक्र किया है। दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत के दौरान राकेश रोशन ने फिल्म के एक सीन का जिक्र किया, जिसमें रेखा को घुड़सवारी करनी होती है। डायरेक्टर ने बताया है कि रेखा ने इससे पहले कभी भी घुड़सवारी नहीं की थी। ऐसे में वो सीन को फिल्माते वक्त डायरेक्टर बहुत डरे हुए थे। राकेश ने कहा, रेखा के पास चुनने के लिए एक ही रंग के 4 घोड़े थे। जब घोड़े की सवारी का समय आया, तब रेखा ने मुझसे बताया कि उन्होंने पहले कभी भी घुड़सवारी नहीं की है। उन्होंने फिर कहा, चिंता मत करो, मैं ये करूंगी। फिर वह घोड़े पर बैठ गई और उस पर ऐसे सवार हुई जैसे कि वह एक ट्रेन घुड़सवार है। उस वक्त मुझे बहुत डर लग रहा था, कहीं वह गिर ना जाए। फिल्म का सबसे डरावना सीन था वह, जिसे रेखा का पति उसे एक झील में मगरमच्छ के सामने धकेल कर मारने की कोशिश करता है। राकेश ने बताया कि उस समय यह कंसेप्ट काफ़ी नया था, ऐसे में यह सीन शूट करने में काफ़ी मुश्किल हुई थी। उन्होंने कहा, हमारे पास आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग करने का समय नहीं था। हमें कुनूर के एक छोटे हिल स्टेशन पर शूटिंग करनी थी। मैंने अपनी टीम के लोगों को आउटडोर लोकेशन खोजने के लिए कहा था। जब हम पहुंचे तो पता चला कि वहां पर कोई होटल नहीं है। ऐसे में वहां पर धर्मशाला जैसा 100 कमरों का एक गेस्ट हाउस था, इसीलिए मैंने पूरा गेस्ट हाउस बुक कर लिया, उसे पेंट करवाया। रेखा और कबीर इस सेटिंग से खुश थे। बातचीत के दौरान जब राकेश रोशन से खून भरी मांग के रीमेक को लेकर सवाल किया गया, तो इस पर राकेश रोशन ने कहा, क्लासिक को कभी भी दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। राकेश ने आगे बताया कि वह फिल्म खुद गर्ज बनाने के बाद कुछ अलग करने की कोशिश करना चाहते थे। उन्होंने कहा, मैंने खून भरी मांग की कहानी पर काम किया। स्क्रिप्ट पूरी करने के बाद मैं रेखा के पास गया। नरेशन सुनकर वह काफ़ी एक्साइटेड हुई थी, वह फिल्म करना चाहती थी। राकेश ने स्क्रिप्टिंग के बारे में बात करते हुए कहा, जब मैंने स्क्रिप्ट लिखी तो मेरे दिमाग में कोई स्टार कास्ट नहीं थी। बस मैं इतना जानता था कि रेखा ही फिल्म की लीड एक्ट्रेस रहेंगी। इस रोल के लिए वह मेरी पहली पसंद थी। चाहे इंडियन हो या फिर वेस्टर्न, रेखा दोनों ही आउटफिट में खूबसूरत दिखती हैं। इस तरह फिल्म की उसकी लीडिंग लेडी मिल गई थी। राकेश रोशन ने आगे कहा, अब मुझे एक मिडिल क्लास लेकिन हैंडसम पति को कास्ट करना था। मैं सोच में था कि इसके लिए किसे कास्ट करना चाहिए। इस रोल के लिए मैंने कबीर बेदी को स्क्रिप्ट भेजी थी और वो रोल करने के लिए तैयार हो गए। उन दोनों के अलावा मैं फिल्म में नई कास्ट करना चाहता था। मैंने सोनू बालिया को एक डबिंग स्टूडियो में देखा था और सोचा था कि वो नेगोटी रोल निभा सकती हैं। ऐसे में वो भी फिल्म का हिस्सा बन गई। राकेश ने आगे कहा कि हमने पूरे विश्वास और मेहनत के साथ यह फिल्म बनाई थी। हमने किसी भी चीज़ के लिए कोई समझौता नहीं किया। तो दोस्तों सुपरहिट मूवी खून भरी मांग के रियल स्टोरी आपको कैसी लगी, जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।